हाई एवरीवान वेलकम बैक टू आर चैनल फैबिंगना तो आज मैं आ गई हूँ शुगर कॉस्मेटिक से मैंने कुछ चीज़ें लिया है वो दिखाने के लिए एंड ऑल्सो आई हैचेज सर्टन थिंग्स फ्राम द नाइका पिंक फ्राइडे जो हॉल पिंक फ्राइडे सेल या हॉट पिंक हॉट पिंक सेल यस इट्स नॉट पिंक फ्राइडे हॉट पिंक सेल जो हुआ था तो उससे मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है सो आई वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू गाय सो लेट्स सी द वीडियो ओके द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शो इज दिस लिप क्रेन्स ये गुड मोडी लिप क्रेन्स जो लॉन्च हुआ है शुगर कस्मेटिक्स की तो मैंने तीन ही लिया है बिकॉज आई फाउंड द प्राइस टू बी क्वाइट प्राइसी यू माइट थिंक दैट ओके दी इट्स ओनली फॉर फाइव नाइन नाइन रुपीज मच लेट दैन वॉट लिप क्रेन्स रिटेल्स फॉर शुगर कस्मेटिक्स के बट ऑन स्पीकिंग दिज ओनली हैव जीरो पॉइंट सेवन ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट सो दैट मेक्स इट क्वाइट प्राइसी सो अगर मैं इसको 2.8 पॉइंट की ले रही हूँ दैन इट विल कॉस्ट मी अराउंड फोर टाइम्स ऑफ 599 नैन नैन दैट इज सिक्स सो चौबीस की एक लिप क्रेन आ जाती है अगर मैं एक कंप्लीट फुल साइज़ की लिप क्रेन के साथ इसको कंपेयर करती हूँ सो आई थॉट आई विल रिव्यू एंड आई विल सी हाउ दिस प्रोडक्ट सो आई ऑर्डर्ड ओनली थ्री लिप क्रेन्स डू वांस एंड उसके साथ मेरा लाइक like, उसके साथ मुझे जो फ्री मिला है That is these lip crayons. This matte as hell mini lip crayon set teen ka, and also I got extra 10% discount QK sugar make which offers for the lipstick day, and I thought it's a very good offer actually. So okay, this has three beautiful shades. This has three beautiful shades: ek to scarlets, ohara, ek hair, viola. Both of the shades are very beautiful shades, and upper se mini shade hair. So, yes, this was a good thing, but ऑनस्टली स्पीकिंग दिज अवर इज प्राइसी एंड कॉस्टली ता ये जो शार्पनर मिला है आई डोट नो इफ इट्स फ्री विद दिस दीज आर रिट्रैक्टेबल आई थिंक सो दिज आर दिस शार्पनर इज फ्री विद दिस वन दिस मिनी लिप क्रेन्स ओके नेक्स्ट मैंने जो नायका हॉट पिंक सेल से चीज़ें लिया है वो है सबसे पहले तो ये है स्मैश बॉक्स की स्मैश बॉक्स एक्स मलवी का ऑलवेज ऑन मिनी मैट ट्यू सो दिस हैज़ टू न्यूट शेड्स एंड उसके साथ जो फ्री मिला है वो है वाइटमिन ग्लो की ये दिस आई गॉट फ्री दिस इज़ लाइक पिछले बार भी स्मैश बॉक्स से मैंने लिया था सो आई गॉट दिस फन फ्री एंड द लिपस्टिक शेड्स आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल लेट मीज टेल यू दिसज आर द टू ब्यूटिफुल न्यूट शेड्स लाइक लुक एट द शेड्स लुक एट द कलर्स हाउ ब्यूटिफुल एंड कॉर्चियस दे आर लाइक एक है पीच एंड द टोन में एक है पिंक एंड टोन में मॉ पी काइंड ऑफ अ पिंक आई रियली लव दिस काइंड ऑफ शेड्स एंड ये थाउजेंड समथिंग में रिटेल कर रही थी बट आई गॉट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस ये मैंने लास्ट दिन में बुक किया था बिकॉज आई थाट दैट ओके टेन परसेंट और डिस्काउंट मिल रही है सो लेट मी चेक आउट डैप then i picked up this nika kajal because black kajals My like it's almost finished almost on the verge of finishing because i apply black kajal a lot you guys know so yes this is the nika kajal and then i ordered lakme's colorful kajals and is kuch deals see like is pink cell maybe गलती से मैं अब देख रही हूँ रीगल ग्रीन मेरे पास दो आ गया है एंड एक है रॉयल ब्लू बट एनी वे नॉर ओ बिकॉज काजल बहुत जल्दी मेरा खत्म हो जाता है एंड आर कलरफुल शेड सो ये और भी जल्दी खत्म हो जाएगा आई नो यू मस्ट स्वॉचिंग दिस मे बिल मेनी लिपस्टिक्स ये मैंने नायका से नहीं मैंने अमेजन से लिया है बट आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइज तो ये चार लिप शेड्स मेरे पास है आर द मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स दिस आर लाइक विद इन हंड्रेड रुपीज़ लाइक नाइन्टी नाइन रुपीज़ में अगर आपने इसका स्वाचेस नहीं देखा है तो आप देख सकते हो आई हैव स्वाच दैन आई हैव रिव्यू दिस प्रोडक्ट्स देन आई हैव परचेज दिस के ब्यूटी की ये कलर करेक्टर प्राइमर आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो रिव्यूइंग दिस वन ये नायका uh, हॉट पिंक से शुरू होने से बस दो तीन दिन पहले मैंने लिया था क्योंकि अचानक से नायका में मैंने देखा एक बहुत अच्छे से डील आ रहा है चल रहा है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव परसेंट की ऑफ Uh, like on any uh, K Beauty product, and because I launched her so I thought I am going to review this product. Also, I like K Beauty products, most of their products are very good quality wise. So I thought 25% discount will be and new products. So I got this one also. Next, let's come towards another luxury uh, product that I got, and this is hot pink sale. Ho कई दिनों से पहले मैंने लिया था एंड दिस इज द हाइलाइटर लाइन क्राइम ब्लॉसम हाइलाइटर सो लाइन क्राइम हाइलाइटर्स आर क्वाइट फेमस आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई माइट बी रॉन्ग आई डोंट नो बट आईव सीन लॉट ऑफ पीपल लाइक आउटसाइड इंडिया रिविंग अबाउट दिस हाइलाइटर्स एंड दिस इज द ब्लॉसम वन लेकिन ये थोड़ा सा लाइक like, मिसअअप होके आया था आई होप यू कैन सी दिस शेड दिस ब्रॉन्जी शेड दिस इज़ अ पर्पल वन एंड दिस इज़ अ गोल्डन वन सो थ्री डिफरेंट शेड्स एंड दिस विल सूट एवरी इंडियन गर्ल आई थिंक एंड आई एम इन लव विद दिस पर्पल शेड पर्पल शेड की हाईलाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है आज कल सो यस एंड दिस वन दिस दिस ब्रॉन्जी शेड अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वन

eyeshadow palette paying so much when it's going to expire within one month or two months i think nika should think about that before you know selling such products like se log hai, i know who will not see the date uh hai and they will end up buying something which they will regret and makeup products ko return going it's a very tough job i must say so you have to be lucky when you're ordering anything online so do 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 check the expired date

टू लाइक इट्स इट रिटर्स फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड समथिंग सो बारह सौ तेरह सौ के बीच में एक हाईलाइटर आ रही है वो भी टू फेज की सो आई थॉट आई शुड नॉट मिस दिस वन सो टू फेज से मैंने ये लिया है डायमंड लाइट हाईलाइटर A lot of people say this has chunky glitters. A lot of people don't like this, but a lot of people say this is very good. So it's a mixed review. So I'm going to try this out. So look at the box. The box is quite beautiful, it looks like a jewelry box. And this is the shade. Let me show it to you. So and since my skin tone is like fair skin tone i think this will suit me again this has purple shades and shimmers to it this looks very beautiful so yeah i got this one for me and definitely i'm going to review also for you guys if you want me to वैसे भी मेरा चैनल कोई भी नहीं देखता है ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं मैं रिव्यू करूँ या ना करूँ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन लोगों के मन में एक like, लाइक एवरी वन हैज दैट विजन कभी तो मेरा चैनल लाइक हिट हो जाएगा सो आई माइट रिव्यू दिस वन तो उसके साथ मुझे जो फ्री में मिला है वो है ये सो दोनों को मिला के आई पेड एक्चुअली ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज गाइज सो दैट मेक्स इट क्वेट रिजनेबल लाइक इट ऑलमोस्ट लाइक अ पेन फॉर अ ड्रग्स टो ब्रांड एंड दिस इज द स्वीट हार्ट परफेक्ट फ्लश ब्लश एंड दिस इज द पी ची वन and actually you can use this like a blush and look at it oh no this is the this one this is the most popular one i think you keep when the 2 to face launch water yes the peach one yes at that time ye hermisha out of sirkuja and i was like kabina kabito le lungi and finally i got this it's muted rose color and i, I had आई लव इट बट अगेन इसमें भी प्रॉब्लम है ये एक्चुअली उठ के बाहर आ रही है सो आई हैव टू शो इट लाइक दिस आई नो वट एवर प्रोडक्ट्स आर ऑन डिस्काउंट स्पेशली द हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है मे बी डेट इज़ द रीज़न आई का इज पुटिंग दैम ऑन डिस्काउंट सो आई थिंक इट्स बेटर टू गो एंड बाई फ्राम द मॉल फ्राम द स्टोर एक्चुअली क्योंकि वहाँ पर भी डिस्काउंट आपको सेम मिल जाएगी बट सिंस दिस इज अ पैंडमिक सिचुएशन एंड

ओ माई कॉर हाउ ब्यूटिफुल हाउ गॉर्ज दिस इज ऐसा ही आपको स्विस्ट ब्यूटी में भी मिल जाएगी ऐसा ही आपको मेकअप uh, रिवोल्यूशन में भी मिल जाएगी बट दे टुक इंस्परेशन फ्राम टू फेस ओनली टू फेस वॉज द फर्स्ट वन टू आई थिंक गॉट दिस प्रोडक्ट आउट लाइक इन अ हार्ट शेप एंड उसके साथ मैंने लिया है कंसीलर एंड दिस कंसीलर विच शेड विथ शेड लेट मी सी लेट मी चेक ओके दिस इज इन द शेड स्नो तो दिस इज़ द कंसीलर एंड टू फेस की कंसीलर अगैन हाई कवरेज देती है तो मैंने ऐसे सुना है डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस वन आई ऑलरेडी हैव टू फेस फाउंडेशन एंड आई फाइंड दैट फाउंडेशन अ अवटीफुल आई विन टेस्टिंग दैट फाउंडेशन मोर देन मंथ इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड कोई भी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती है द शेड इज परफेक्ट देर सो मेनी शेड्स अवेलेबल देखो मैंने रिव्यू करना शुरू कर दिया बिकॉज आई ट्राई प्रोडक्ट्स लाइक शुगर कस्मेटिक्स की भी ये लिप लिपक्रेन्स आ गया है एंड यू सी आई विल बी द लास्ट वन टू रिव्यू दिस वन सो आई विल बी गेटिंग नो व्यूज़ आउट ऑफ दैट बट आई एटलीस्ट नी टू थ्री डेज टू सी हाउ गुड दिस प्रोडक्ट इज़ आई ऑलवेज एंड अफ डूइंग दिस लाइक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं आता है सो नया प्रोडक्ट जब रिलीज़ होता है उसके बाद ही मेरे पास खबर आता है जैसे कि आप लोगों के पास खबर आता है उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ उसके बाद मैं ख़रीदती हूँ उसके बाद मैं उसको ट्रा टेस्ट करती हूँ उसके बाद मैं वीडियोज़ डालती हूँ उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियोज डालने से पहले तो उसमें भी वक्त लग जाता है सो आई एम ऑलवेज द लास्ट पर्सन टू रिव्यू एनी न्यू प्रोडक्ट एंड ऑलवेज आई गेट द लीस्ट नंबर ऑफ़ व्यूज क्योंकि सबके पास आई थिंक दोज प्लेस दे ऑर्डर्स दे हैव गॉट इट लाइक आज मिला आज मैं इसका रिव्यू करूँगी चाहे वो कुछ भी हो तो मुझे व्यूज मिल जाएंगे बट आई कैंट डू दैट सो एनी वे एंड टू फेस के साथ एक और चीज़ अच्छा मिला कि एक आई प्राइमर एंड एक फेस प्राइमर ये भी फ्री में आपको मिल रही थी सो इट्स अ वेरी गुड डील फ्रॉम टू फेस सो मेरे पास दो फेस प्राइमर आ गया है दो आई शेडो प्राइमर आ गया है सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड द लास्ट थिंग आई दैट आई हैव टू शो जिसके लिए मैं वेट कर रही थी एक्चुअली फॉर मोर देन सेवन डेज सात दिन पहले सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे लेकिन मैं सी करती हूँ हमेशा हुडा uh, ब्यूटी की ये टैन टूर दिस आई गॉट फॉर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ लाइक पच्चीस सौ की ये है एंड पंद्रह सौ में मुझे मिल गया है एंड नई टू द शेड मीडियम बिकॉज लाइट एंड फेयर में कुछ ऑफर्स नहीं था सो आई थॉट आई टेक मीडियम मैंने हुडा को देखा वो यूज़ करिए मीडियम एंड शी हैज़ मच मच फेयर स्किन टोन देन वॉट आई हैव सो इफ़ शी कैन यूज़ मीडियम देन आई कैन ऑल्सो यूज़ मीडियम आई थॉट तो ये मुझे एक्चुअली आज ही मिला है एंड आई थॉट ऑफ नो कल मिला है बट कल मैं आई कंड शूट द वीडियो बिकॉज मीशा वॉज नॉट वेल सडनली शी हैड स्टमक क्रैम्स आई हैड टू टेक अट टू द डॉक्टर्स सो ऑल द थिंग्स आई हैड टू डू सो कल मैंने शूटिंग कैंसिल कर दिया है आज सुबह से मैं बिजी थी एंड देन आई वेंट टू माई फादर्स हाउस आई दिन अ स्मॉल ब्लॉक माई ब्रदर्स इज टूडे सो आफ्टर डैट आई केम बैक आई ये जो मेकअप आप देख रहे हो इसका भी मैंने वीडियो शूट कर लिया है इसका भी वीडियो आप देख देखोगे मे बी आफ्टर दिस वन एंड लास्टली मैं अभी इसका शूट कर रही हूँ एंड सामने मीशा बैठी है सब कुछ फैन एंड ए सी ऑफ है एंड उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड मैंने तीन बार उसको डाँटा है विच आई हैव ऑलरेडी एडिटेड बाय द टाइम सो दिस इज़ टैम टूर एंड दिस इज़ इन द शेड मीडियम काफ़ी डरावनी शेड मुझे लग रही है लाइक आई रियली डोंट नो वैदर दिस विल लुक गुड आन मी और नॉट लेकिन क्योंकि मैंने इसमें

एवरी थिंग इज सॉटेड आउट यस आई हैव शोड एवरी थिंग आई हैथिंग सारा बक्सा हाँ खाली हो गया है खाली बक्सा खाली बक्सा खाली और एक बक्सा एक रिचेक कर लेती हूँ नहीं तो यार एडिटिंग के वक्त मुझे फिर से आके लाइक like, शूट करना पड़ेगा एंड वो डिफरेंट मेकअप हो जाएगा ये भी खाली है ये दीज आर दॉक्सेस अब मैं उसको सबको फेंकूंगी एंड फाइनली देट्स माई नाइका पिंक सील हॉल एंड इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स मैं रिव्यू करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इफ़ आई एंजॉय दिस वीडियो एक लाइक दे देना एंड अगर आपको पसंद भी नहीं आया है डिसलाइक बिल्कुल मत देना अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो करो एंड लाइक ए ऑलवेज से कीप द स्माइल ऑन अ फेस डेफिनेटली वी आई वॉन्ट मीट एग इन इवन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाई